नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर, डी ए इज 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो इसका एक रफ स्केच बना देते हैं। इसका हमने एक रफ स्केच बना दिया है जिसका नेम दे दिया हमने ए बी सी डी। साइड्स गिवन है हमें, ए बी गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी डी 5.2 सेंटीमीटर, डी ए हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और ए सी हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। ए सी डायगोनल है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहली साइड हमें जो गिवन है इसकी, इसका बेस गिवन है ए बी 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 4.2 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 4.2 सेंटीमीटर की। ये 4.1, 4.2, 4.2 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। इसकी लेंथ 4.2 सेंटीमीटर, नेम दे देंगे इसको ए और बी। अब हम पॉइंट सी कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पॉइंट बी से सी की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कंपास को हम ओपन करेंगे, ये है 6, इसको 6 पे रख दिया नीडल को और इस तरह से कंपास को ओपन कर दिया, 6 सेंटीमीटर ओपन कर देंगे। फिर बी पॉइंट को सेंटर ला लेते हुए 6 सेंटीमीटर की एक आर्क कट कर देंगे। 6 सेंटीमीटर की एक आर्क कट कर दी। नेक्स्ट जो सी पॉइंट है वो ए से जुड़ा हुआ है और ए और सी की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर कंपास से मेजर कर लो, कंपास को 8 सेंटीमीटर रेडियस का ओपन कर दो। उसके बाद ए पॉइंट पर निडल प्लेस कर पिछले वाली आर्क को मीट इंटरसेक्ट करते हुए एक और आर्क कट कर लेंगे। तो ये दोनों आर्क जो है वो इस पॉइंट पर मीट कर रही है, ये वाला पॉइंट है हमारा पॉइंट सी। तो अब हम बी सी और ए सी को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये हमें हमारी साइड बी सी मिल गई और सी पॉइंट को अब ए से ज्वाइन कर लेंगे, ये हमें हमारी साइड ए सी मिल गई। अब हमें पॉइंट डी कंस्ट्रक्ट करना है। तो पॉइंट डी के लिए ए से डी की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ये है पॉइंट 5 सेंटीमीटर ओपन कर देंगे और ए पॉइंट पर नीडल रखते हुए ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क कट करेंगे। अब पॉइंट सी और डी जो है उसकी लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर। तो फिर से हम 5.2 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास ओपन करेंगे। इस तरह से 5.2 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद सी को सेंटर मानते हुए आर्क कट करेंगे। ये दोनों आर्क इस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट डी। इस डी को हम सी से ज्वाइन कर लेंगे तो हमें हमारी लाइन सेगमेंट सी डी मिल जाएगी। फिर हम इस डी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर लेंगे तो हमें हमारी साइड ए डी मिल जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हमें हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मिल गया है। इसकी साइड्स की नेमिंग कर लेंथ लिख लेंगे, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर। अब इसके स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप विद बी एस सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। थर्ड स्टेप विद ए एस सेंटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी, जॉइन बी सी एंड ए सी। तो इस तरह से हमें हमारा पॉइंट सी मिल जाएगा। फोर्थ स्टेप विथ ए एस सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। फिफ्थ स्टेप विथ सी एट सेंटर एंड रेडियस 5.2 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी। लास्ट स्टेप जॉइन सी डी एंड ए डी। हैंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना है और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, QR 4.6 सेंटीमीटर, RS 4.3 सेंटीमीटर, SP 3.5 एंड डायगोनल PR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रफ स्केच कंस्ट्रक्ट करेंगे इसका। PQRS साइड जो हमें गिवन है, PQ हमें गिवन है 5.4 सेंटीमीटर, QR 4.6 सेंटीमीटर, RS इज 4.3 सेंटीमीटर, SP हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और डायगोनल PR हमें गिवन है, डायगोनल PR की लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे PQ जो कि है 5.4 सेंटीमीटर, 5.5 है, इसके जस्ट पास वाला पॉइंट है 5.4, तो 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। 5.4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए जिसका नाम है PQ। अब हम Q को सेंटर लेते हुए पॉइंट R कंस्ट्रक्ट करेंगे। पॉइंट R, QR की जो लेंथ है वो है 4.6 सेंटीमीटर, तो कंपास को 4.6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। इस तरह से कंपास को हमने 4.6 सेंटीमीटर ओपन करा है। Q को सेंटर पॉइंट मानते हुए आर्क कट करेंगे। अब पी और आर की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर, कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे वापस से और पी को सेंटर मानते हुए आर्क कट कर लेंगे। ये जो हमारी दोनों आर्क है वो एक पॉइंट पर नहीं मिल रही है, तो हम फिर से क्यू और आर वाली जो लाइन है उसको पूरा ड्रॉ करने के लिए फिर से इसकी जो लेंथ थी 4.6 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे ताकि हम इन दोनों आर्क को एक पॉइंट पर मीट करवा सकें। ये हमने क्यू पॉइंट लिया और इसको वापस ड्रॉ कर ली, तो अब ये जो दोनों आर्क है वो इस पॉइंट पर मिल रही है और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, पॉइंट आर। इसको ज्वाइन कर लेंगे क्यू से और पी से। अब हमें पॉइंट एस कंस्ट्रक्ट करना है। पॉइंट एस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम पी से उसका डिस्टेंस देखेंगे। पी का से उसका डिस्टेंस है 3.5, कंपास को हम फिर से 3.5 खोलेंगे। ये 3.5 रेडियस से हमने कंपास को खोला और एक पी पॉइंट को सेंटर बनाते हुए एक आर्क कट कर ली। अब हमें आर और एस का डिस्टेंस देखना है। आर और एस का जो डिस्टेंस है वो है 4.3, कंपास को 4.3 ओपन करेंगे। तरह से कंपास को 4.3 ओपन करेंगे, आर पॉइंट को सेंटर मानते हुए पिछली वाली आर्क को कट करने के लिए एक पॉइंट, एक और आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर मिल गई है और इस पॉइंट को हमने नेम दिया है पॉइंट एस। अब इस पॉइंट एस को हम पी से और आर से जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हमें हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मिल गया है PQRS। अब हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। सबसे पहला स्टेप्स जो है कंस्ट्रक्शन का वो है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप, विथ Q एज सेंटर एंड रेडियस 4.6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। थर्ड स्टेप, विथ P एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट R, जॉइन QR एंड PR। फोर्थ स्टेप, विथ पी एस सेंटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। फिफ्थ स्टेप, विथ आर एस सेंटर एंड रेडियस 4.3 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट एस। लास्ट स्टेप, जॉइन आर एस एंड पी एस, हैंस पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। सो नाउ वी आर डन विथ एक्सरसाइज 4.1। डू दिस इन योर नोटबुक, फॉलो दिस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। In next video, we are going to start exercise 4.2. Thank you.